हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में टीडीएस को लेकर के बात करेंगे और टीडीएस भी किस पे, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटेंगे हम। ठीक है, कैसे होगा ये, चलिए ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है, जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया ही ले लिया, तो ये बैंक से हमें लोन प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने ऐसे बोल दिया, जैसे मान लीजिए किसी अदर पर्सन से या किसी पार्टी से हमें लोन प्राप्त होता हो, ठीक है, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, ठीक है, लीगली। तो ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ से वी प्रेस कर लेता हूँ अकाउंटिंग बाउचर में जाने के लिए, या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हम ए प्रेस करेंगे क्योंकि हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले टीडीएस का लेजर बनाएंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टीडीएस करता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। ये टीडीएस जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे टीडीएस रहेगा, ये टीडीएस कर लिया हमने। और यहाँ पर आएगा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। आप चाहे तो बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं, देता हूँ। यहाँ से अल्टर पे चलते हैं और आई प्रेस करता हूँ इंटरेस्ट पेड। ये देखिए, ये पहले से मौजूद है, इंटरेस्ट पेड का लेजर हमने क्रिएट कर रखा है और ये इस तरह से कुछ हमने बनाया है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट नेचर ऑफ पेमेंट, इसके लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट आप बना लेंगे, 194A रखा है हमने, इंटरेस्ट के लिए यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आएंगे, ये बाहर आ गए चूंकि हमने इंटरेस्ट पेड का लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटरेस्ट का जो लेजर बनाया है, यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ तो ये इंटरेस्ट पेड ये आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो इंटरेस्ट पेड है, यहाँ पर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, और एंटर प्रेस करके फिर इसको आगे बढ़ करके हमने वो किया है। तो यहाँ पे अगर हम अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो अदर नेचर ऑफ पेमेंट के लिए क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने टीडीएस पे इंटरेस्ट देना है, हमने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया था, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, एंटर प्रेस किया था, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ये बन चुका है। फिर यहाँ पे सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सेक्शन, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर टीडीएस का हेल्पर दिया हुआ है, यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल खुल करके आ जाता है। लेकिन जब आप एजुकेशनल वर्जन को यूज कर रहे होते हैं तो उसमें ये पूरा डिटेल खुल करके नहीं आएगा। और अगर आप ओरिजिनल वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ये जरूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तभी ये खुल करके आएगा, अदरवाइज ये खुल करके नहीं आएगा। तो बाहर आते हैं, ये हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया है। अब ये लेजर्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं, ओके। एक लेजर और हमें क्रिएट करना है कि जिस पार्टी से हमें लोन रिसीव होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष साहूकार हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ वही बैंक ऑफ इंडिया कर लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। ये पहले से मौजूद है, हमने पहले से बना रखा है तो इसी को हम ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया तो हमने पहले से ही बना रखा है। अकाउंटिंग वाउचर में वी प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर चूंकि लोन हमें रिसीव होगा तो रिसीविंग की भी एंट्री हमें करनी होगी। तो रिसीव करने के लिए F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर में जाएंगे, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आ रहा है BOI फिर, ठीक है। तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया ही है तो हमने बैंक ऑफ इंडिया में ही ये लोन रिसीव किया है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर लिया हमने और यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। ये एक्सेप्ट हो गया, अब बाहर आ जाते हैं, इससे बाहर आ गए, जनरल बाउचर में चलना है क्योंकि अब हम लोन जो है इसका पेमेंट करेंगे। तो जनरल बाउचर में जाने के लिए आपको F7 की प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आप जनरल बाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे डेबिट आ रहा है, इंटरेस्ट पे किया तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का लेजर आ जाएगा। यहाँ पे आई प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का लेजर आ जाएगा आपका, ठीक है, आ गया। अब मान लीजिए कि आप एक ही बार में 70 या 80 हजार रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 80 हजार रुपए मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पर पेमेंट किसे करेंगे, क्रेडिट कौन होगा, किसके पास जाएगा पैसा, पैसा जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के पास जो हम पेमेंट करेंगे। तो ये बैंक ऑफ इंडिया कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, फिर नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी का अमाउंट है वो जाएगा टीडीएस लेजर में। तो यहाँ पर टी प्रेस करता हूँ तो टीडीएस के नाम से एक लेजर हमने क्रिएट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस हमने ले लिया, अब ये देखिए ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है,
ये 80,000 था तो 50,000 यहाँ पे और बाकी का टीडीएस में चला गया, तो ये टीडीएस में जाकर एडजस्ट हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे टीडीएस हैज बीन एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। तो इस तरह से हम अगर इंटरेस्ट का हमें टीडीएस काटना हो इंटरेस्ट पे, तो ऐसे हम टीडीएस काट सकते हैं। ये दो बार डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जनरल वाउचर में हमें जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका प्रिंट देना चाहें तो अल्ट के साथ पी करके आप प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट है। इस तरीके से हमारा प्रिंट निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।